हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल फॉर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। माय सेल्फ प्रशांत रहाटे, लेक्चरर एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आवर सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी एंड आवर टुडेज टॉपिक इज डायल इंडिकेटर। फ्रेंड्स, दिस टॉपिक्स belongs to the unit number 2, standard and comparator, and this is our fourth lecture of unit number 2, standards and comparators. So let's proceed for next slide. So in previous lecture, we take a quick review of previous lecture. We learn about use the different types of comparators, explain the construction and working of principle of the given comparator, select the comparator and slip gauge for the given job, identify parts of the comparator. So in today's topic learning outcome, students are able to explain dial indicator. Next, draw with need sketch and label dial indicator. Next, identify components of dial indicator. State advantages and disadvantages of dial indicator. State the applications of dial indicator. Now, program outcome. So, today's program outcome is we satisfied PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9, PO10, and PSO2 and PSO3. Let's move ahead. So we start our today's topic, dial indicator. So friends, ये बहुत ही important topic है as per exam point of view. बहुत बार exam में ये topic 4 marks से लेके 6 marks तक के लिए आया हुआ है. Explain with need sketch dial indicator या state advantages and disadvantages of dial indicator. ये आप इसका answer as a mechanical comparator का अगर question आता है आपको, तो उसमें भी आप dial indicator का ही answer लिखना, आपको लिखना है. तो so start करते हैं friends. ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये डायल इंडिकेटर का डायग्राम है. वो सिंपल टॉपिक है फ्रेंड्स, और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन. तो ये जो दूसरा डायग्राम है, ये स्टैंड है डायल इंडिकेटर का, और यहाँ पे इस पे डायल इंडिकेटर अटैच्ड है. ये एक टाइप का कंपैरेटर है, ये इसका क्लोज्ड व्यू है. तीसरा एक और डायग्राम है हमारे पास में फ्रेंड्स, ये डायग्राम देखिए. यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ द मेजर पार्ट्स ऑफ डायल इंडिकेटर आर एज फॉलोज. द डायल विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द मेन स्केल, the plunger, the indicator, needle, locking screw of lock nut, mini dial that represent the number of revolutions and magnification mechanism. तो ये कहाँ कहाँ पे ये देखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए डायग्राम बहुत अच्छे से समझ लीजिए फ्रेंड्स. ये सिंपल डायग्राम है, आपको आप ये डायग्राम भी अगर एग्जाम में बनाते हैं तो भी चलेगा. तो सबसे पहला जो है ये ग्रेजुएटेड स्केल है, ये अपर केस है, ये इंडिकेटर्स है जिसके ऊपर 0, 10, 20 ऐसा लिखा हुआ है. शॉर्ट हैंड इंडिकेटर छोटा इंडिकेटर है, इसको काउंटर रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन काउंटर भी कहा जाता है. ये पार्ट स्कीम है, ये प्लंजर और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट. तो ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये वर्कपीस के साथ में हम लोग टच में लाते हैं. ये इसमें फिर वर्कपीस के अनइवन सरफेस पे ये जब स्लाइड करता है, तो इसमें मूवमेंट होता है, ऊपर नीचे मूवमेंट होता है. ये मूवमेंट यहाँ पे जाता है और ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है और आपको आंसर दिखाता है. तो देखिए फ्रेंड्स, इसका वर्किंग कैसा होता है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. कि जब ये जो पॉइंटर है, बड़ा पॉइंटर, ये पूरा बड़ा पॉइंटर जब एक टोटल रिवॉल्यूशन लेगा यानी 360 डिग्री घूमेगा, तो छोटा वाला जो है ये 0 से 1 पे जाएगा. फिर एक और एक बार रिवॉल्यूशन लेगा तो फिर ये जाएगा 1 से 2 पे. तो फॉर एग्जाम्पल इसका ऐसा समझिए कि जब प्लंजर 1 mm डिफ्लेक्ट होता है, 0 से कितना 1 mm डिफ्लेक्ट होता है, तो ये पॉइंटर टोटल 1 रिवॉल्यूशन लेता है. और ये पॉइंटर जब 1 रिवॉल्यूशन लेता है, तो छोटा रिवॉल्यूशन काउंटर का पॉइंटर 0 से 1 की तरफ जाता है. ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे इसको. तो अभी हम लोग आ जाते हैं डायल इंडिकेटर के वर्किंग के ऊपर. तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम दोस्तों डायल इंडिकेटर का एक्चुअल वर्किंग डायग्राम है.
तो आप ट्राई करिए कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप ये डायग्राम बनाएंगे। ये इसका डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, और ऊपर ये एक्चुअल इमेज हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका वर्किंग। तो देखिए क्या होता है, डायल इंडिकेटर में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसा देखिए कि इसमें ये दो गियर्स है, गियर बी और गियर डी, और इसमें चार पिनियंस है और एक और गियर है गियर एफ, मतलब तीन गियर्स है, बी डी और एफ, और तीन पिनियंस है इसके अंदर, ए सी और ई, और बीच में एक प्लंजर है, और इस प्लंजर के ऊपर एक रैक कनेक्ट है। रैक और पिनियन आप सभी को पता है कैसे वर्क करता है, तो फ्रेंड्स इसको मुझे और डिटेल में बोलने की जरूरत शायद नहीं है। तो हमें बाहर से तो ये मैकेनिज्म इस टाइप से दिखता है, लेकिन इंटरनल में ऐसा इसमें मैकेनिज्म होता है। एक लाइट हेयर पिन है, दूसरा ये लाइट कॉइल स्प्रिंग है, और ये रैक गाइड है। रैक गाइड का पर्पज होता है कि ये इस प्लंजर को गाइड करता है, मतलब इसको मूवमेंट होने नहीं देता है। देखिए दोस्तों, ये कंपैरेटर है, और मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटर कभी भी एक्चुअल डायमेंशन लेता है, ये डायमेंशन को वेरी कितना वेरी हो रहा है एक्चुअल से वो शो करता है, मतलब कितना पॉजिटिव में जा रहा है कितना निगेटिव में जा रहा है। तो ये जो प्लंजर का एंड है, ये एंड हमेशा चौक के साथ में टच में रहता है, और इसी से हमको आंसर क्या है वो पता चलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके नीचे यहाँ पे रखते हैं मास्टरपीस। मास्टरपीस बेसिकली यहाँ पे यूज किया जाता है एज स्लिप गेज। तो स्लिप गेज का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं मास्टरपीस का। तो स्लिप गेज एक एक्यूरेट डायमेंशन का इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, मतलब ये प्लंजर में कोई मूवमेंट होती नहीं है। तो स्लिप गेज रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से ये जो पॉइंटर है इसको देखिए, इसको हम लोग लेके जाते हैं जीरो के ऊपर। तो ये मेन पॉइंटर भी जीरो पे रहता है, और ये जो रिवॉल्यूशन काउंटर वाला पॉइंटर है वो भी जीरो पे रहता है। तो आप सभी को पता है कि जब ये टोटल एक रिवॉल्यूशन लेता है, तो जब ये कब लेता है टोटल रिवॉल्यूशन, जब इसका प्लंजर 1 mm मूवमेंट लेगा। तो 1 mm जब मूवमेंट लेता है तो ये टोटल एक रिवॉल्यूशन लेता है, तो ये जो छोटा रिवॉल्यूशन काउंटर का पॉइंटर है ये 0 से 1 पे जाता है, और इसका लिस्ट होता है दोस्तों 0.01 mm। कितना होता है, 0.01 mm। 0.01 मतलब 10 माइक्रोन लिस्ट काउंट होता है, मतलब जब ये प्लंजर 10 माइक्रोन ऊपर उठेगा तो ये 0 से 1 पे जाएगा। ऐसा जब ये और 10 माइक्रोन उठेगा तो 1 से 2 पे जाएगा। तो ऐसा टोटल ये 1000 माइक्रोन उठेगा, तब ये टोटल एक रिवॉल्यूशन होगा इसका, और ये इसका मतलब होगा कि ये 1 mm ऊपर उठा हुआ है, तो ये जाएगा छोटा जो रिवॉल्यूशन काउंटर है 0 से 1 पे जाएगा उस समय। तो देखते हैं दोस्तों इसका वर्किंग। मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें तीन गियर्स है, गियर बी डी और ई एफ, और तीन पिनियन है ए बी और सी। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो एडिशनल पार्ट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, ये रैक गाइड का जो पर्पज होता है वो ये प्लंजर को सिर्फ लीनियर मूवमेंट देने के लिए बना हुआ है। ये इसका जो ऐसा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो अवॉइड करता है। हेयर कॉइल स्प्रिंग का पर्पज होता है दोस्तों, जैसे ये टेंशन से ऊपर जाता है तो ये हेयर कॉइल स्प्रिंग का टेंशन, उसको जब हम लोग जॉब हटा देते हैं नीचे से, प्रेशर हटा देते हैं, तो ये उसको फिर से खींच के अपनी जगह पे लेके आ जाता है। और ये लाइट हेयर स्प्रिंग का पर्पज है दोस्तों कि ये जो गियर मूवमेंट होते हैं, तो जैसे ये मूवमेंट होगा तो ये इनको अपने अपने जगह पे इनिशियल पोजिशन पे लेके आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट इसका वर्किंग। देखिए हम लोग, तो सबसे पहले देखिए ये प्लंजर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कि जैसा देखिए ये सरफेस है नीचे इसका, तो ये सरफेस अगर परफेक्टली फ्लैट है तो उसमें मूवमेंट नहीं होगा, बट इस सरफेस में अगर ऐसा अनइवन सॉरी इस सरफेस में ऐसा अनइवन सरफेस है, तो क्या होगा, जब ये प्लंजर इसके ऊपर स्लाइड करेगा तो ये ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा। क्या करेगा फ्रेंड्स, ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा, ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा। तो ऊपर नीचे जब मूवमेंट करेगा, ऊपर नीचे मूवमेंट जब करेगा तो क्या होगा कि ये रैक जो है, और ये पिनियन हो गया और ये रैक, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये रैक हो गया और ये पिनियन। तो होता क्या है फ्रेंड्स, कि जब जैसे ये ऐसे ऊपर नीचे मूवमेंट करता है तो ये रैक इसके साथ में ऊपर नीचे होगा, और रैक के साथ में पिनियन अटैच्ड है, तो पिनियन यहाँ पे रोटेट होगा अपने ही एक्सिस पे। अब देखिए इसी एक्सिस के ऊपर ये गियर भी लगा हुआ है, तो जितना पिनियन रोटेट होगा
उस हिसाब से गियर भी रोटेट होगा, लेकिन गियर का जो सरकमफेरेंस है वो बड़ा है, पिनियन का सरकमफेरेंस छोटा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन होगा, समझ में आया ना। मैग्निफिकेशन कैसे होगा कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर पिनियन 90 डिग्री टर्न करता है तो पिनियन का सरकमफेरेंस यहाँ से यहाँ तक ही ट्रैवल करेगा, लेकिन सेम टाइम में गियर भी अगर गियर एक ही एक्सिस पे है तो गियर भी 90 डिग्री टर्न करेगा, तो गियर का सरफेस इतना सरकमफेरेंस इतना लंबा यानी बड़ा हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है मैग्निफिकेशन। अब देखिए ये जो गियर का मैग्निफिक मोमेंट है ये कहाँ जा रहा है, पिनियन सी में जा रहा है। तो अब छोटे पहले पिनियन ए का छोटा सा मूवमेंट, उसने गियर बी में गया तो मूवमेंट बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया। अब ये बड़ा हुआ डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे आ रहा है, पिनियन सी में, तो जितना ये मूवमेंट करेगा उसके हिसाब से पिनियन सी मूवमेंट करेगा दोस्तों, जितना गियर बी मूवमेंट कर रहा है उसी के हिसाब से पिनियन सी मूवमेंट कर रहा है। अब पिनियन सी जब मूवमेंट करेगा तो पिनियन सी के एक्सिस के ऊपर ही गियर डी अटैच्ड है, तो गियर डी फिर से बड़ा डायमेंशन का है, तो क्या होगा ये जो गियर डी है ये अपने एक्सिस पर रोटेट होगा, लेकिन इसका सर्कमफेरेंस ज्यादा होने की वजह से जो ट्रैवलिंग करेगा वो ज्यादा करेगा। अब इसका मूवमेंट किसके साथ में कनेक्ट है दोस्तों, तो पिनियन ई के साथ। अब ये पिनियन ई मतलब कौन सा हो गया, ये जो पॉइंटर दिख रहा है ना आपको, ये जो पॉइंटर है ये होता है पिनियन, समझ में आया। इसके ऊपर पॉइंटर लगा रहेगा, ये पॉइंटर यहाँ पे ऐसा एक मार्किंग रहेगा और उसके ऊपर पॉइंटर रहेगा, तो वो आपको वहां पे दिखाएगा कि कितना डायम मोमेंट हो रहा है। अब ये जो छोटा वाला पिनियन देखिए, रिवॉल्यूशन काउंटर देखिए, ये लगा रहता है इस पॉइंट के ऊपर। तो इसका पर्पज क्या होता है दोस्तों कि ये जैसे ही एक टोटल रिवॉल्यूशन लेता है तो ये स्प्रिंग क्या होती है, कॉम्प्रेस्ड होती है और ये 0 से 1 की तरफ जाता है, मतलब इसका टोटल एक रिवॉल्यूशन मतलब इसका 0 से 1, फिर इसका एक और रिवॉल्यूशन मतलब 1 से 2, फिर एक और रिवॉल्यूशन मतलब 2 से 3, तो ये क्या होता जा रहा है धीरे धीरे कॉम्प्रेस होता जा रहा है, समझ में आया दोस्तों। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कैसे हो रहा है, पिनियन से गियर का डायमेंशन में जब ट्रैवलर हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन हो रहा है। देखिए मैग्निफिकेशन NGA इंटू NGD इजिकल्स टू NC NPC इजिकल्स टू NPE इजिकल्स टू हो गया था मैग्निफिकेशन। मतलब मैग्निफिकेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नंबर ऑफ टीथ ऑन ए इजिकल्स टू नंबर ऑफ टीथ ऑन डी, तो इजिकल्स टू नंबर ऑफ टीथ ऑन पी मतलब पिनियन सी एंड पिनियन ई, ऐसा करके इसका मैग्निफिकेशन होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फिर, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डायल इंडिकेटर। तो ये टाइप्स ऑफ डायल इंडिकेटर के बैलेंस रीडिंग डायल इंडिकेटर, कंटिन्यूस डायल इंडिकेटर, रिवर्स बैलेंस डायल इंडिकेटर, रिवर्स कंटिन्यूस डायल इंडिकेटर, टेस्ट डायल इंडिकेटर, प्लंजर डायल इंडिकेटर है, रिवर्स डायल इंडिकेटर। तो आपको एक सिंपल डायल इंडिकेटर ही बनाना है, बाकी आपके सब सिलेबस से यानी कि सिर्फ नाम दिए हुए उनके, बाकी आपको वर्किंग में अगर आता तो आप सिंपल डायल इंडिकेटर दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एडवांटेज एडवांटेजेस होते हैं। हाँ एक और चीज याद रखिए, मैकेनिकल कंपैरेटर के एडवांटेजेस और डायल इंडिकेटर, आप दोनों में से किसी एक के भी लिखेंगे तो भी चलेगा। इजीली रीडेबल है ये, सेमी स्किल लेबर कैन यूज एंड कॉम्पैक्ट एंड रोबस्ट इन डिजाइन, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। सेमी स्किल लेबर उसका यूज कर सकते हैं, वो भी इसका पढ़ सकते हैं आसानी से, छोटा होता है और उसका स्टडी डिजाइन होता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो वियर ऑफ प्लंजर बियरिंग सरफेस कॉजिंग एरर इन मेजरमेंट, तो मैकेनिकल पार्ट्स है तो ज्यादातर इसमें वियर्स होते जाएंगे और वियर अगर हो गए तो फ्रिक्शन की वजह से होते हैं, तो आपको कैलिब्रेशन करोगे तो ये वियर्स को हम लोग निकाल सकते हैं। एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिड्यूस ड्यू टू बैकलैश इन रैक एंड पिनियन, बैकलैश इन रैक एंड पिनियन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे ये रैक और पिनियन इनके टीथ एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली यूज के साथ में क्या होता है उसके टीथ पे वियर एंड टेयर होता है, जिसकी वजह से उसके बीच में गैप क्रिएट होती है, उस गैप को कहा जाता है बैकलैश, और वो गैप क्रिएट होने की वजह से एक्यूरेसी पे इफेक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में देखिए ये कहाँ कहाँ यूज होता है, एक पार्किंसन गियर टेस्टर में यूज होता है तो फ्रेंड्स, उसके बाद यूज टू डिटरमाइन एरर इन ज्योमेट्रिक फॉर्म सच एज ओवेलिटी टेपर, जो सर्कुलर शेप्स है उसमें फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। यूज इन साइन बार फॉर एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट के लिए भी इसका यूज होता है। टू डिटरमाइन पॉसिबल एरर्स ऑफ सरफेस सच एज पैरेललिज्म स्क्वेयरनेस अलाइनमेंट, पैरेललिज्म स्क्वेयरनेस अलाइनमेंट ये निकालने के लिए भी इसका जो है, एक्चुअली ये हमारा एक टॉपिक में है ये सब चीजें आगे की,
तो हम वहां पे डिटेल में इसको पढ़ेंगे कैसे होता है। तो चेक द अलाइनमेंट ऑफ लेफ्ट सेंटर बाय यूजिंग अ सुटेबल एक्यूरेट बार बिटवीन द सेंटर्स, ये भी हमारे आगे सिलेबस में है दोस्तों। टू चेक द ट्रूनेस ऑफ मिलिंग मशीन आर्बर एंड चेक द पैरेललिज्म ऑफ द शेपर आर्म विद टेबल सरफेस और वाइस वर्सा। तो देखो फ्रेंड्स, ये सभी जो टॉपिक्स है ना, ये हमारे प्रैक्टिकल्स में गिवन है। सो अगर आप प्रैक्टिकल्स अच्छे से करेंगे, ध्यान लगा के करेंगे, तो आपको ये सब चीजें प्रैक्टिकली करने के लिए मिलेंगी फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो आज देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े। हम लोगों ने पहला पढ़ा है एक्सप्लेन डायल इंडिकेटर, पहला टॉपिक पढ़ा हम लोगों ने एक्सप्लेन डायल इंडिकेटर, दूसरा ड्रॉ विथ नीड स्केच एंड लेबल डायल इंडिकेटर, आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स ऑफ डायल इंडिकेटर, स्टेट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायल इंडिकेटर, स्टेट द एप्लीकेशंस ऑफ डायल इंडिकेटर एंड टाइप्स ऑफ डायल इंडिकेटर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट। ये आज के क्वेश्चन बैंक से दोस्तों, ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, अदरवाइज आपको ये एज असाइनमेंट भी सॉल्व करने हैं। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से प्रोग्राम आउटकम अचीव किए फ्रेंड्स, तो PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9, PO10, PSO2 और PSO3, ये प्रोग्राम आउटकम हमारे आज हुए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कंपैरेटर में सिग्मा कंपैरेटर। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।